कैसे आप सब। मैं रंजीत, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल मार्शल आर्ट्स एकेडमी में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे अपरकट पंच। इसमें जो हम अपने हैंड को नीचे से ऊपर की तरफ कट करते हैं, तो इसलिए इसको अपरकट बोलते हैं। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं और सीखते हैं कैसे करना है इस पंच को। तो चलिए सबसे पहले इसको भी हम हॉर्स ऑन प्रेस करेंगे। सबसे पहले आइए हॉर्स स्टांस पे, पैर खोलिए और यहाँ पे डाउन, हाथ यहाँ पर। जब आपने अपरकट पंच करना है, राइट हैंड देखिए मेरा, हाथ को अंदर की तरफ लेके जाना है और जब आपकी जो एल्बो है वो सेंटर में पहुंचने लग जाए आपकी बॉडी के, यहाँ पे फिर हाथ को सामने खोलना। ऐसे दूसरा हाथ अंदर की तरफ लेकर आइए, जब आपकी जो एल्बो है अपनी बॉडी के सेंटर में इस चीज पे यहाँ तक पहुंचने लग जाए, तभी आपने हाथ को खोलना सामने से। यहीं पे 1 2 3 4, ये पंच है। अभी मैं स्लार पॉइंट पे कर रहा हूँ, इस लेवल पे, यहाँ पे 1 2। तो एक बार इस तरफ से देखिए, यहाँ पे आपका हॉर्स स्टांस है, यहाँ पे हाथ, देखिए मेरी जो आम के पीछे, देखिएगा जब हमने पंच करना है हाथ को अंदर की तरफ लेके जाइए और यहाँ पे इसको साथ में बाहर निकालना शुरू कर देना। एल्बो आपकी सेंटर तक पहुँचेगी और फिर सामने खोलना इसको पूरा, यहाँ पे अंदर की तरफ लेकर आइए और यहाँ पे हिट। मेरे हैंड के पीछे देखिए, यहाँ पे ये जो एल्बो है आपकी हल्की मुड़ी रहेगी और जो पंच है वो ऊपर की तरफ रहेगा। यहीं से अंदर की तरफ 1 2 3 4। तो एक बार इस तरफ से देखिए, आइए हॉर्स स्टांस पे, जब पंच करना है हाथ को बॉडी के अंदर की तरफ लेकर आइए और फिर इसको हल्का बाहर निकालना शुरू कीजिए। जब आपकी एल्बो सेंटर तक पहुंचेगी तब इसे खोलिए, यहाँ पे 1, यहीं से दूसरा हाथ अंदर की तरफ, फिर खोलिए अंदर की तरफ, फिर खोलिए 1 2 3 4। तो मेरे हैंड के पीछे देखिए, यहाँ पे एल्बो बेंड है और आपने हाथ को सामने खोलना है। जब कर रहे हैं यहाँ पे सामने ऐसे, तो आपने हाथ को ऊपर की तरफ नहीं खोलना, ऐसे नहीं कि ऊपर की तरफ कर रहे हो। तो अगर आप फेस लेवल भी करते हो तो भी आपका जो हैंड है वो सामने की तरफ खुलेगा। इसको आपने ये ऊपर की तरफ ऐसे नहीं खोलना, आपके जो पंच की पोजीशन है वो ऐसे नहीं आएगी, ये सामने की तरफ आएगी। जब स्लार पॉइंट पे करते हैं तो पंच 1 2, जब फेस लेवल पे करेंगे तो सीधा ये आपका पंच है वो फेस पे पहुंच जाएगा, गले पे पहुंच जाएगा, ये आपके जो फेस पे वहां पे हिट होगा 1 2 3 4। यहाँ देखिए, जब मैं फेस लेवल पे कर रहा हूँ मेरा हाथ सीधा नहीं है, यहाँ पे ये मुड़ा हुआ है, हल्का तिरछा है यहाँ पे। तो एक बार स्पीड से करके दिखाता हूँ आपको, जब सोलार पॉइंट पे करें नीचे करना है चे, चे, के, चे। और वही जब फेस लेवल पे करें पंच को थोड़ा ऊपर ले जाना है और फेस पे हिट करना, तो जो टारगेट आएगा वो गले पे या फेस पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो एक बार मैं आपको फॉरवर्ड स्टांस करके दिखाता हूँ। ये आपका फॉरवर्ड स्टांस है जब आपने फ्लावर पॉइंट पे करना, ये आपके हाथ है, पीछे वाला हाथ लीजिए अंदर की तरफ लेकर आइए हाथ को और सामने खोलिए। ये देखिए फ्लावर पॉइंट है, बिल्कुल उसके सामने पंच, स्टेप लीजिए यहाँ पे सामने, जो फेस लेवल करेंगे फिर ये सीधा चला जाएगा 1 2 3। तो ये है अपरकट पंच, इसमें जो हम अपने हैंड को ऊपर की तरफ कट करते हैं। तो अब इस पंच में ध्यान देने वाली कौन सी बातें, पहली बात पंच को ढीला नहीं छोड़ना, मूवमेंट को आपने ढीला नहीं करना, पूरी पावर के साथ कीजिए, फोर्स के साथ कीजिए और कोशिश कीजिए साथ में क्या ही करने की। तो दूसरा पॉइंट है कि जब आप पंच करेंगे आपने अपने हाथ को ऊपर की तरफ नहीं करना, ये इसको ऐसे ऊपर की तरफ नहीं लेके जाना, यहाँ पे ये आएगा पंच, यहाँ पे तिरछा ऊपर नहीं आएगा, हल्का ये आपका हाथ जो है वो टेढ़ा रहेगा यहाँ पे ऐसे। तो ये उसका टारगेट है पंच का, वो स्लार पॉइंट होता है और फेस लेवल या नेक पे भी आ सकता है। तो जब स्लार पॉइंट पे करेंगे नीचे करना है पंच को, जब फेस पे करेंगे इसको ऊपर ले जाना। तो पंच करते वक्त मैं स्लार पॉइंट काफी डिस्कस करता हूँ कि जो आपका टारगेट है वो स्लार पॉइंट पे होना चाहिए। अगर आपने पहले पंच की कोई वीडियो नहीं देखी है तो स्ट्रेट पंच में मैंने बताया था कि जो स्लार पॉइंट है वो हमारी जो मसल्स हैं, जो पेट की मसल्स हैं उससे ऊपर और चेस्ट की मसल्स से नीचे, ये सेंटर में एक पॉइंट होता है, हम उसको स्लार पॉइंट बोलते हैं। तो ये वीक पॉइंट है, यहाँ पेट की ये जितने जोर से कर सकते हैं बहुत ही चोट लगती है। तो इसका सेट बनाइए, कम से कम एक पंच को 30 बार कीजिए, मैक्सिमम जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए, तो इसको भी हर रोज प्रैक्टिस कीजिए। तो आज क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हमारा आखिरी पंच, हुक पंच। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भी लाइक जरूर कीजिएगा और सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं और लोग भी सीखे तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।